हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लाया हूँ आपके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 1। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पिछले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 0 में, मैंने आपको सिलेबस समझाया था और ये बताया था कि हम लोग किस सीक्वेंस में इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि हम लोग पहले मशीन ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें जो हम पहला टॉपिक आज शुरू करेंगे वो है थ्रेड्स। हम थ्रेड्स यानी जिसे हिंदी में चूड़ियाँ कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है और पूरा पहले का जो थ्योरी है उसको समझेंगे, ठीक है। उसे हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना है, बस उसके चीज़ों को समझ लेना है ताकि हम जो MCQ क्वेश्चन है उसको लगा सकें, ठीक है। और इसी वीडियो के अंत में मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड MCQ, जो भी इंपॉर्टेंट MCQ होगा जो एग्जाम में आने की संभावना होगी, वो मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको करा दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो का नोट्स, जो PDF नोट्स होगा, वो भी मैं आपको प्रदान कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो देखिए और एग्जाम के समय PDF दे दूंगा, तो एग्जाम के समय मतलब PDF आप जब भी चाहें देख सकते हैं। एग्जाम के समय आपको दोबारा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ आप PDF पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार आप वीडियो देखे रहेंगे तो PDF से आपको आप रिकॉल कर पाएंगे कि मतलब क्या आप पढ़े थे, तो उससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग अपना टॉपिक थ्रेड्स शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, ये एक फ्री डेमो लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद से जो लेक्चर नंबर 2 से जो लेक्चर मिलेंगे वो पेड कोर्स में मिलेगा, ठीक है। ये लेक्चर तो यूट्यूब पर भी रहेगा और ऐप में भी मिलेगा, लेकिन लेक्चर नंबर 2 से सिर्फ आपको ऐप में पेड कोर्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप ये वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो फिर आप पेड कोर्स ज्वाइन करिएगा, ठीक। और ये सारी बातें हो गई, चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है थ्रेड्स, उसको समझने से पहले हमें कुछ और बातों को भी समझना पड़ेगा। मतलब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, या सबसे पहला जो हेडिंग है वो हमारा रहेगा फास्टनर्स, ठीक है। फास्टनर्स होते क्या हैं, जिनको हिंदी में बंधक युक्तियाँ कहते हैं। तो देखिए, फास्टनर यानी वे युक्तियाँ जिनकी सहायता से हम चीज़ों को जोड़ते हों, ठीक है। जैसे नट बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, इन चीज़ों को हम लोग फास्टनर कहते हैं। जैसे गाड़ियों में आप देख लीजिए, गाड़ियों के जो पहिए होते हैं उन्हें हम लोग नट बोल्ट से टाइट रखते हैं, कई जगह हम लोग स्क्रू लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंपास है, तो इस कंपास में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रू लगाया गया, ठीक है, तो इस स्क्रू से इसको कस दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फास्टनर हो गया, ठीक है। तो फास्टनर यानी आप बहुत छोटे लेवल पर भी हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में भी हो सकता है। तो फास्टनर यानी जिसकी सहायता से हम लोग विभिन्न मशीनों के भागों को हम लोग जोड़ते हों उन्हें एक दूसरे से, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं फास्टनर्स। फास्टनर जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्प्रोरी, ठीक है। इससे देखिए MCQ बन सकता है। देखो, हमें जो पढ़ाई करनी है ना, हमें यही देख के करना है कि हमारा MCQ का तैयारी बस हो, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना है, कोई लिखित एग्जाम देना है तो MCQ सॉल्व करना है। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर चलूँगा जिससे MCQ बनने के चांसेज हों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और जिससे MCQ बनता हो, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ जो फास्टनर्स के दो प्रकार हैं, हमें फास्टनर्स के बारे में कुछ लिखना वगैरह नहीं है, क्योंकि इससे MCQ नहीं कि फार्टनर क्या होता है। बस आप इतना जानिए कि फार्टनर हम लोग कहते हैं जिनकी सहायता से मशीनों के विभिन्न भागों को जोड़ा जाए, ठीक है। अब इसमें नट बोल्ट, स्क्रू वगैरह यही सब आते हैं, वेल्डिंग वगैरह भी आते हैं, ठीक है। अब देखो, फार्टनर दो प्रकार के होते हैं, इससे MCQ मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, फार्टनर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्प्रोरी, यानी एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, ठीक है। तो अब स्थायी में कौन सा आएगा, रिविट और वेल्डिंग आएगा, और अस्थायी में कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा आपका नट बोल्ट, स्क्रू, ठीक है। तो इससे देखिए, इससे हो सकता है MCQ, मान लो आपसे पूछ दे कि वेल्डिंग कौन सा फास्टनर है, चार ऑप्शन दे दे, ठीक है, तो उसमें परमानेंट होगा, ठीक है, या पूछ दे कि निम्नलिखित में से परमानेंट फास्टनर कौन है, ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन देते हैं। मैं ऐसा MCQ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टॉपिक से आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए कि परमानेंट का मतलब क्या हुआ। परमानेंट का मतलब ऐसा हुआ कि जिस ज्वाइंट को आप एकदम परमानेंटली जोड़ दें, बार बार उसको मतलब असेंबल डिसअसेंबल ना कर सकें। जैसे अभी मैंने आपको एक पास दिखाया, अब देखिए इसमें ये जो पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप चाहें तो स्क्रू ड्राइवर से खोल भी सकते हैं, फिर अलग कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरह का टेम्प्रोरी फास्टनर हुआ, मतलब एक तरह का ये टेम्प्रोरी ज्वाइंट हुआ, ठीक है। और मतलब ये जो फास्टनर जो इसमें लगाया गया है, ये जैसे इसमें एक तरह का स्क्रू है ना ये, ठीक है, तो इसको आप खोल भी सकते हैं। देखो, यहाँ से आप इसको चाहेंगे तो इसे खोल लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का टेम्प्रोरी हुआ। परमानेंट का मतलब जैसे वेल्डिंग आप देखे होंगे, ठीक है, रिविट, रिविट भी एक तरह का फास्टनर
होता है, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे रिविट नहीं जानते होंगे, जैसे मैकेनिकल और सिविल के बच्चे तो पढ़े होंगे रिविट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो उनको भी मैं रिविट के बारे में बता दे रहा हूँ कि रिविट क्या होता है। लेकिन पहले आप ये जानिए कि मतलब रिविट जो है वो एक तरह का परमानेंट में ही आता है, ठीक है। और वेल्डिंग तो सब लोग देखे हैं, वेल्डिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं, वेल्डिंग सभी लोग जान ही रहे हैं। हालांकि वेल्डिंग को भी अलग किया जा सकता है, उसको भी काटा जा सकता है, लेकिन वो है एक तरह का परमानेंट, क्योंकि एक बार हो गया तो अब वो फिक्स हो गया, ठीक है। उसको अलग करने के लिए काफ़ी कुछ उसमें मटेरियल भी ख़राब होता है, एक तरह से वो तोड़ के ही अलग हो पाता है, ठीक है। तो वो अलग करना वो टेम्प्रोरी नहीं कहलाएगा, ठीक है। टेम्प्रोरी का मतलब आप बड़े आसानी से उसको असेंबल कर सकें, डिसअसेंबल कर सकें, उसको लगा सकें, फिर उसको खोल कर ढीला कर दें, ठीक है। तो उसको कहेंगे टेम्प्रोरी। जैसे नट बोल्ट से जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वो टेम्प्रोरी होता है, ठीक है। नट बोल्ट से जो कनेक्शन करते हैं, स्क्रू से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। जो लोग स्क्रू नहीं जानते हैं, देखिए स्क्रू, इसको कहते हैं स्क्रू, ठीक है। देखिए ये स्क्रू है, ठीक है। स्क्रू में यहाँ पे जो ये एक मतलब इसका जो सिलिंड्रिकल भाग होता है जिस पे थ्रेड कटा होता है, देखिए ये सब चूड़ियाँ हैं, ठीक है। इधर स्क्रू ड्राइवर फंसाने के लिए होता है, ठीक है, इससे कसा जाता है। तो ये आपका स्क्रू है, ठीक। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि मतलब क्या पता ऐसा ही MCQ आ जाएगा, एक फिगर बना दे पूछे कि ये कौन सा फास्टनर है, तो ये स्क्रू है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहचानिए, यहाँ ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, आपको फिगर तो नहीं बनाना है, लेकिन दिमाग में रखना है कि हाँ इसको स्क्रू कहते हैं। वैसे मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हो वो लोग जानिए कि ये इसको स्क्रू कहते हैं। स्क्रू में एक तरफ स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए रहता है, और इसके पूरे पर यहाँ पे थ्रेड बना होता है, ठीक है। इसको देखिए ये बोल्ट है, ठीक है। बोल्ट में क्या होता है कि बोल्ट भी एक तरह का आपका फास्टनर ही होता है, लेकिन इसमें ऊपर स्क्रू ड्राइवर के लिए नहीं होता है। अभी मैं स्क्रू में दिखाया था ना कि वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए था, इसमें इसको हेड कहते हैं, ठीक है। और ये हेक्सागोनल या स्क्वायर टाइप का होता है। देखो जब नट बोल्ट आपको पढ़ाऊंगा, नट बोल्ट का एक अलग चैप्टर है, तो बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको कि हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, इसके सबके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें भी ये जो है ना एक छोटा सा बोल्ट है, ठीक। और इसमें अभी देखो, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, इस मैंने जो बड़े बोल्ट आते हैं ना उसमें पूरे पे ये थ्रेड नहीं कटा होता है, कुछ दूर ये प्लेन होता है, उसके बाद थोड़े ही दूर तक यहाँ पे थ्रेड कटा होता है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि अब हमें पढ़ना तो यही सब है ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन इस पार्ट में भी, चूंकि आपको थ्रेड आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको अब नट बोल्ट ये सब क्या होता है ये सब इसी चैप्टर से जानना शुरू कर देना पड़ेगा, लेकिन डिटेल इसका अलग चैप्टर में आपको मिलेगा। अभी तो मैं थ्रेड पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो आपको समझ में आना कि थ्रेड इन्हीं सब चीजों पे बना होता है, ठीक है। इसको ये भी एक बात जान लीजिए कि इसको बोल्ट कहते हैं, ये जो मेरे हाथ में ना इसको बोल्ट कहते हैं, ठीक है। जो लंबा वाला हिस्सा होता है जिसमें ये बेलनाकार छड़ होता है, ऊपर हेड होता है, ये बोल्ट कहलाता है। और इसमें जो कसा जाता है इसको हम लोग नट कहते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग कसते हैं ऐसे ऐसे, इसको नट कहते हैं। तो ये इतनी बातें आप जानिए कि ये नट होता है और इसको हम नट कहेंगे, ठीक है, इसको, ठीक। और ये हमारा बोल्ट है। तो ये इतनी बातें आपको फिलहाल के लिए इसको जान लीजिए कि क्या बोल्ट क्या है और नट क्या है। रिविट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है ना अभी उसका तो रिविट तो मेरे पास नहीं था, मैंने उसका ये जो पिक है ये आप देख लीजिए, इसको रिविट कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग, आप देखे होंगे कई जगह दो प्लेटों को जोड़ने के लिए उसमें होल करके और उसमें रिविट लगा देते हैं। इसका भी एक अलग चैप्टर है, ठीक है, जिसमें रिविट के प्रकार, स्नैप हेड रिविट, पैन हैंड रिविट, जो भी है सारा उसका स्पेसिफिकेशन, ये डाया कितना होता है, ठीक है, वो सब अलग चैप्टर में बताऊंगा। अभी तो एक इंट्रोडक्शन है कि मतलब थ्रेड आपको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत फास्टनर के बारे में पहले आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिविट कहते हैं, अब बाकी डिटेल आपको बाद में मैं दूंगा, ठीक है। तो आपने अभी तक इतना तो सीख लिया कि फास्टनर क्या होते हैं, ठीक है। इस बस डिफिनेशन से कोई मतलब है नहीं, बस इतना जानिएगा जिनसे मशीन के भागों को जोड़ते हैं और दो प्रकार के होते हैं, इससे एक MCQ बन सकता है आपका कि परमानेंट फास्टनर में कौन आएगा, टेम्प्रोरी फास्टनर में कौन आएगा, ठीक है। तो वेल्डिंग और रिविट जो है परमानेंट में आते हैं, और नट बोल्ट स्क्रू जो है ये टेम्प्रोरी में आते हैं। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, चलिए, और पहचानना थोड़ा सा सीख लीजिएगा, नट बोल्ट कैसा होता है अभी बताया था ना, और स्क्रू कैसा होता है, रिविट कैसा होता है, वेल्डिंग तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चलिए हो गया। अब देखिए, अब अगला जो हमारा हेडिंग है वो है थ्रेड्स। तो थ्रेड्स का परिभाषा तो खैर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी चूंकि हमें यही तो चैप्टर पढ़ना है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझना पड़ता है, भले वो उससे MCQ ना बने, क्योंकि आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए थ्रेड्स क्या होते हैं, तो किसी बेलनाकार छड़ की बाहरी या भीतरी सतह पर काटे गए हेलिकल ग्रुप्स, हेलिकल माने जो सर्पिल आकृति का होता है, जैसे सीधा सा एग्जांपल है, एक स्क्रू का ही एग्जांपल लीजिए, तो एक बेलनाकार छड़ ही तो रहा होगा पहले, ठीक है, और इस पर एक हेलिकल ग्रुप काट दिया गया है, खांचा मतलब, उसी को हम लोग चूड़ी कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। तो ये एक उसका डिफिनीशन हो गया,
ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपको थोड़ा सा जानना है और मैं पीडीएफ तो दूंगा ही, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया आपका कि आप समझ गए कि थ्रेड होता क्या है रियलिटी में। चलिए अब देखो, अब जो अगला हमारा हेडिंग है ना, ये है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मतलब जो पूरा एमसीक्यू बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है इससे बनेगा, इस लेक्चर का जो एमसीक्यू है, ये जो नोमेनक्लेचर में लिखा हूँ आप थ्रेड्स, मतलब जो चूड़ियों की शब्दावली है, इस हेडिंग से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि थ्रेड्स पढ़ना मतलब नोमेनक्लेचर ही पढ़ना, ठीक है। और तो इसको पहले आप अच्छे से समझिए, तभी आप जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना थ्रेड प्रोफाइल, उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, जो थ्रेड की अलग अलग प्रोफाइलें होती हैं, अलग अलग प्रकार जो होते हैं ना, बट्रेस थ्रेड या आइसोमेट्रिक थ्रेड, सारा वो सब आप तभी समझ पाएंगे जब आप नोमेनक्लेचर अच्छे से समझे रहेंगे। तो चलिए इसको इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए तो ये जो फिगर है इसको पहले आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इस फिगर से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये दिखाया गया है कि कोई भी मतलब जो हमारा थ्रेड बनाया जाता है किसी बोल्ट पे या किसी नट में या किसी स्क्रू पर, तो पहले आप ये समझिए कि मतलब मान लो कि ये प्लेन छड़ है, ठीक है, ये प्लेन छड़ है और इसी पर थ्रेड काटना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर थ्रेड काटा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो चीज़ें समझनी है वो ये समझनी है कि देखो थ्रेड में आप ध्यान दीजिए, ऐसे 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 ऊपर नीचे इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इसमें जो उठा हुआ पार्ट है इसका नाम होता है क्रेस्ट, ठीक, और जो दबा हुआ पार्ट है इसका नाम होता है रूट। तो ये पहले आप इससे परिचित होइए, ठीक। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो फिगर बनाया गया है ना, इस साइड में एक तरह का बोल्ट बनाया गया है और इस साइड में नट बनाया गया है। तो आप अभी मैं आपको नट दिखाया था, नट के भीतर थ्रेड होता है ना, नट के तो भीतरी परिधि पर ना थ्रेड होता है, ठीक है, तो उसको इंटरनल थ्रेड बुलाते हैं, ठीक। और जब बाहरी सतह पर थ्रेड होता है तो उसे एक्सटर्नल थ्रेड बुलाते हैं। तो यहाँ पे दोनों अगल बगल में दिखाया गया है, मतलब इसी नट को इस पर कसा जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको एक नट और बोल्ट दिखाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नट और बोल्ट आपको दिखाया था ना, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो मैं इसको खोल लेता हूँ, देखो इस नट में भीतरी सतह पर थ्रेड बना है, ठीक है, और जो हमारा बोल्ट है उसके बाहरी सतह पर, नट के भीतरी सतह पर थ्रेड बना होता है, ठीक। तो यही आपको समझना है, और बोल्ट के बाहरी सतह पर, तो वही चीज़ यहाँ फिगर से दिखाया गया है। तो देखो जो ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको इसमें क्रेस्ट कहेंगे, ठीक, जबकि इसमें आप ध्यान दीजिए, इंटरनल थ्रेड में ध्यान दीजिए, जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्रेस्ट कहेंगे, ध्यान दीजिएगा ये बात, ठीक है। मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि इंटरनल वाले में जैसे इस तरह से पहाड़ जैसा हो रहा है ना इसको ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारा क्रेस्ट कहलाएगा, जबकि इसमें ये वाला पार्ट क्रेस्ट कहलाएगा, इसमें ये वाला पार्ट रूट कहलाएगा जो दबा हुआ है, और इसमें जो उठा हुआ होगा ये वाला पार्ट, ये रूट कहलाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। और अब देखिए, तो ये दो जो शब्दावली है, नोमेनक्लेचर है, वो आप पहले याद कर लीजिए, क्रेस्ट और रूट। दिमाग में आपको बस एक इमेज बैठाना है कि क्रेस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है, ठीक है, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। यही कोई आप सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, ऐसा कोई एग्जाम देते तो आपको ये सब फिगर बनाना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल आपको बस फिगर को दिमाग में बैठाना है कि क्रेस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है। क्या पता यही आपको एग्जाम में एमसीक्यू बना के देता है, ऐसे बना के दे दे और पूछे कि इसका नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम क्रेस्ट है, ठीक है। यह आपको इस तरह से समझना है, इसमें इसका नाम क्या है तो इसका नाम रूट है, इसमें जो उठा हुआ पार्ट रहेगा रूट है, और जो दबा हुआ पार्ट रहेगा यहाँ पे ध्यान दीजिए वो क्रेस्ट है। ये आपको समझ में आ गया, हालांकि भीतर के लिए यही उठा हुआ पार्ट कहलाएगा, मतलब इंटरनल के लिए यही उठा हुआ कहलाएगा। तो सुनो ये सब डिफिनीशन आपको बहुत रटना नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि इंटरनल में ये हमारा रूट है और ये हमारा क्रेस्ट है, एक्सटर्नल में ये हमारा चोटी है, क्रेस्ट माने चोटी और रूट माने आपको पता ही है जड़ या जो घाटी होता है, ठीक है, वैसी चीज़ें। तो ये रूट है, ये क्रेस्ट है। अच्छा रूट क्रेस्ट और रूट को जो मिलाने वाला रेखा या सतह बनता है, ये रियलिटी में तो एक सरफेस है ना, ये तो टू डायमेंशनल भी बनाया गया, तो क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाला जो एक यहाँ पे तिरछा सरफेस बनता है ना, इसको फ्लैंक कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आप याद कर लीजिए कि क्रेस्ट और रूट को मिलाने वाला जो सतह होता है वो फ्लैंक होता है, ठीक है। अच्छा अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद करना है वो ये है कि देखो इसमें तीन तरह का डाया है, माइनर डाया, पिच डाया और मेजर डाया। तो देखो मेजर डाया क्या होता है, तो जो
क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का, ध्यान दो मतलब इंटरनल थ्रेड में क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डाया, और इंटरनल में आप समझ गए होंगे रूट से रूट, जब इसको रूट कहेंगे तो रूट से रूट, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डाया है इंटरनल में वो कहलाएगा आपका मेजर डाया। देखिएगा इस पर क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान से इसको समझ लीजिए कि एक्सटर्नल थ्रेड में क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डाया है वो कहलाएगा आपका मेजर डाया, जबकि इंटरनल थ्रेड में रूट से रूट तक का जो डाया है, यहाँ तक का जो डाया है यानी जो लंबाई है वो कहलाएगा आपका मेजर डाया। माइनर डाया क्या होगा, तो रूट से रूट तक का, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड में रूट से रूट, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो है ये माइनर डाया कहलाएगा रूट से रूट का, जबकि इसमें क्रेस्ट से क्रेस्ट तक, इसमें तो क्रेस्ट ये है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये सीधा जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा आपका माइनर डाया। तो याद हो गया ना, मेजर डाया एक्सटर्नल थ्रेड में क्रेस्ट से क्रेस्ट, इंटरनल थ्रेड में रूट से रूट, माइनर डाया एक्सटर्नल थ्रेड में रूट से रूट और इंटरनल थ्रेड में क्रेस्ट से क्रेस्ट, ये आपको याद हो गया मेजर डाया और माइनर डाया क्या होता है, ठीक। और एक पिच डाया होता है, देखो पिच डाया क्या होता है ना कि जो हमारा माइनर और मेजर के बीच में, मतलब माइनर और मेजर, यहाँ तक माइनर है यहाँ तक मेजर है, तो दोनों के बीच में इधर भी और दोनों के बीच में इधर भी, जैसे माइनर है मेजर है दोनों के बीच में इधर भी, हमको एक बीच में जो डाया मिलता है वही पिच डाया कहलाता है, ठीक है। तो इसको बस आप ऐसे ही याद रखेंगे कि इसको इफेक्टिव डाया भी कहते हैं, पिच डाया को इफेक्टिव डाया भी कहते हैं। तो इधर जो माइनर और मेजर का जो मध्य है, ठीक है, तो और इसे भी माइनर और मेजर का जो मध्य है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है पिच डाया। तो ये बातें आप याद रखिएगा, माइनर डाया मेजर डाया और पिच डाया, और सबका एक अलग नाम ही है। देखो माइनर डाया को कहते हैं रूट डाया क्योंकि ये रूट से रूट तक का होता है, ठीक है, इसमें मतलब इसको रूट डाया बुलाते हैं, और मेजर डाया को नॉमिनल डाया भी बुलाते हैं, ठीक है। नॉमिनल डाया इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि नॉमिनल मतलब क्या होता है, सांकेतिक। तो असली में कोई आप बोल्ट या स्क्रू लेके देखेंगे जिस पर थ्रेड बनाओ तो ये ऊपर का ही डाया एक तरह से उसका सांकेतिक डाया होता है, ठीक है, मतलब जो ये इसका जो प्लेन वाला, जब ये बोल्ट प्लेन रहा होगा, जब इसका प्लेन जो प्लेन वाला हिस्सा इसका हिस्सा है, तो जो डाया यहाँ से यहाँ तक का है एक तरह से वही ना डाया यहाँ से यहाँ तक का है, इसीलिए इसको नॉमिनल डाया कहते हैं। और इसी के माध्यम से हम लोग इसका आगे चल के, जब मैं आपको नट बोल्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसका नाम भी बोल्ट का देते हैं, इसीलिए इसका नाम है, जो हमारा मेजर डाया है उसी को नॉमिनल डाया भी कहते हैं क्योंकि इसी के आधार पर बोल्ट का नामकरण भी किया जाता है। तो ये भी बात आपको समझ में आएगी। तो देखिए ये सारे नोमेनक्लेचर आपको धीरे धीरे दोहराते रहने हैं। एक तो आपका क्रेस्ट था, रूट था, फ्लैंक था, तीन ये हो गए, क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, फिर मेजर डाया, माइनर डाया और पिच डाया, ये आपको समझ में आया। अच्छा अब केवल पिच क्या होता है, तो देखो पिच क्या होता है कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं दो रूट के, दो क्रमागत क्रेस्ट या दो क्रमागत रूट, लेकिन आप क्रेस्ट ही बुलाइए तो दो क्रमागत जो क्रेस्ट होते हैं उसी को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा एक तरह समझिए कि जो चूड़ी अंतराल होता है वही हमारा पिच है, लेकिन आप इसका डिफिनेशन ऐसे याद रखिए कि जो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका पिच कहलाता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक और जो नोमेनक्लेचर है, एक और टर्म है थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल देखिए इसको कहेंगे थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल ये होता है ना कि दो फ्लैंक, जो हमारा दो फ्लैंक जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को थ्रेड एंगल कहते हैं। चाहे आप यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, तो यही हमारा थ्रेड एंगल कहलाता है, ठीक। तो ये सारे टर्म्स जो हैं, ये सारे जो शब्द हैं वो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन इस फिगर में जितना दिख रहा है पहले आप उतना अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक जो फिगर देखा था उसमें क्या क्या समझ लिया, क्रेस्ट समझ लिया, आपको दिखा होगा क्रेस्ट क्या होता है, रूट समझ लिया, फ्लैंक समझ लिया, मेजर डाया, नाम याद रखिएगा नॉमिनल डाया बुलाते हैं, माइनर डाया हमने समझ लिया किसे रूट डाया बुलाते हैं ये क्या होता है, और पिच डाया जिसको इफेक्टिव डाया बुलाते हैं ये भी हमने समझ लिया। पिच हमने समझ लिया, पिच आपको बताया हूँ जो क्रेस्ट से क्रेस्ट या रूट से रूट का डिस्टेंस होता है, ये भी हमने समझ लिया। लीड एक टर्म होता है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ ये लीड क्या होता है, ठीक है। थ्रेड एंगल हमने समझा, दो जो दो फ्लैंक ऐसे रहते हैं तो जो एंगल बनता है तो ये थ्रेड एंगल होता है। हेलिक्स एंगल अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है, और डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको बताता हूँ, पहले आपको लीड बता रहा हूँ कि लीड क्या होता है।
देखिए लीड का जो डिफिनीशन है वो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख भी दिया है। देखिए लीड क्या होता है कि जब किसी बोल्ट को या नट को, कुछ भी आप कह सकते हैं, जब उसे हम लोग 360 डिग्री घुमाते हैं, माने एक चक्कर, तो एक्सियल दिशा में वो जितना आगे बढ़ता है, बोल्ट ही बोलिए तो बोल्ट जितना आगे बढ़ता है एक्सियल दिशा में, उसी को हम लोग कहते हैं, जितना दूरी आगे बढ़ता है उसी दूरी को हम लोग कहते हैं लीड। मतलब कहने का ये है, जैसे ये बोल्ट है, तो जब आप इस बोल्ट को एक चक्कर 360 डिग्री ऐसे घुमाएंगे कसने के लिए, जब आप इसको ऐसे 360 डिग्री घुमाएंगे तो एक चक्कर 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर तो 360 रन, जब ये घूमेगा 360 डिग्री घूमेगा तो एक चक्कर घूमने में जितना इसका जो एक्सिस है वो जितना आगे, भाई बोल्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो जितना आगे बढ़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं लीड। तो ये तो मतलब लीड की का डिफिनीशन होता है, ये डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है ना वो ये होता है, लीड इज इक्वल टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। ठीक, पिच तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टार्ट क्या है इसको जरा आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ स्टार्ट क्या है। इसके बेसिस पे हमारा जो थ्रेड है वो तीन प्रकार का हो जाता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड। तो आखिर ये स्टार्ट क्या है, और जब आप ये समझेंगे ना तो आपको लीड भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये फार्मूला भी समझ में आ जाएगा कि लीड आखिर पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट क्यों हो रहा है, और इस पर एमसीक्यू भी जो बनेंगे वो आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे जरा सा आप ध्यान दीजिए, देखो ये क्या दिखाया गया है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये बोल्ट है और ये जो डॉटेड्स इसमें दिखाया गया ना, ये जो डॉटेड से जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया कि नट इस पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको, इस बोल्ट को घुमाते जाएंगे क्लॉकवाइज दिशा में, जब इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो नट इस पे चढ़ता जाएगा, ठीक है, या नट को ही घुमाते जाएंगे तो नट चढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप इसको घुमाएंगे तो आपका ये जो नट है इस पे चढ़ रहा है, तो आप ये देखिए कि इस बोल्ट के एक चक्कर घूमने पर, भाई ये एक चक्कर घूम रहा है तो कहीं ना कहीं ये बोल्ट आगे बढ़ रहा है ना, इसका जो एक्सिस है, एक्सिस माने जो मध्य में रेखा होती है, वो कहने के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर इसके एक चक्कर घूमने पर, 360 रन घूमने पर, ठीक, अगर एक पिच के बराबर इसका जो एक्सिस है वो एक पिच के बराबर आगे बढ़े, मतलब जो एक तरह से कहिए कि जो नट है वो एक पिच के बराबर पे कसा जाए या चढ़ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगल स्टार्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये एक चक्कर घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा, तो ये जो नट है या जो इसका एक्सिस है वो दो पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक चक्कर घूमने के बाद ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। तो एक तरह से आप ध्यान दीजिए तो भाई पिच क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है, लेकिन एक तरह से ये यहाँ से मतलब दो पिच के बराबर, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यानी एक चक्कर घूमने पर, बोल्ट के एक चक्कर घूमने पर ये दो पिच के बराबर आगे बढ़ जा रहा है, ठीक। तो मैंने पहले आप समझिए लीड होता क्या है, लीड ये होता है कि इसके बोल्ट के एक चक्कर घूमने पर उसका एक्सिस जितना आगे बढ़ता है, ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं लीड। तो यहाँ पे लीड जो है पिच के ही बराबर होगा, ठीक है। तो जब लीड पिच के बराबर हो उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल स्टार्ट, ठीक है। मतलब अगर ये एक चक्कर घूम रहा है तो एक पिच के बराबर अगर बोल्ट का एक्सिस आगे बढ़े तो उसी को कहेंगे सिंगल स्टार्ट। लेकिन इसके 160 डिग्री, इसके 360 डिग्री घूमने पर अगर जो हमारा बोल्ट है उसका एक्सिस दो पिच के बराबर आगे बढ़ जाए तो उसको कहेंगे डबल स्टार्ट, तीन पिच के बराबर आगे बढ़ जाए तो कहेंगे ट्रिपल स्टार्ट। तो ये स्टार्ट आपको समझ में आएगा नहीं, तो अब ये बताइए लीड कहीं ना कहीं क्या है, पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट है कि नहीं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पिच ये सिंगल स्टार्ट यानी नंबर ऑफ स्टार्ट एक है, तो लीड बराबर पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, तो पिच इनटू एक करेंगे तो लीड बराबर पिच आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देखिए तो लीड जो है पिच का दुगुना है, तो डबल स्टार्ट है ना, तो लीड बराबर दो इंटू पिच, यानी एक तरह से पिच इंटू डबल है, डबल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट मतलब दो। तो एक फार्मूला बना के नहीं कि लीड इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, तो यही मैं वहाँ फार्मूला भी लिखा था। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं कि सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट क्या होता है। इस पर देखो एमसीक्यू बना सकते हैं, तो मैं दिखाऊंगा एमसीक्यू कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि व्हाट इज सिंगल स्टार्ट, व्हाट इज डबल स्टार्ट, व्हाट इज ट्रिपल स्टार्ट, और पिच का, लीड का मतलब समझ आया ना, 360 रन घूमने पर बोल्ट के उसका एक्सिस जितना आगे बढ़ता है उसी को हम लोग कहते हैं लीड।
अब आपको ये जो मैं लिखा हूँ लीड का डिवीजन 360 डिग्री घुमाने पर एक्सियल दिशा में चली गई दूरी, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो फार्मूला है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि लीड इज इक्वल टू पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा, इस पर एमसीक्यू बना सकता है। और मैंने आपको सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो इधर का ये सारा चीज़ हो गया, लीड भी आपने समझ लिया, थ्रेड एंगल तो हो ही चुका है, हेलिक्स एंगल और डेप्थ ऑफ थ्रेड ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्या होता है। देखिए ये जो आपका मैं फिगर यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर मैं दिखा रहा हूँ ये थ्रेड को दिखाया गया, मतलब आपका जो ये छोटा वाला यहाँ पे थ्रेड आपको दिख रहा है ना, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यही वो थ्रेड है। ठीक है, यहाँ पे क्रेस्ट, यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्रेस्ट, यहाँ पे रूट। ठीक है, तो ये फिगर ऐसे बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, जैसे जब ये क्रेस्ट ऐसे आता है तो थोड़ा सा ये ऐसे राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग कहते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड, मतलब एक तरह से क्रेस्ट से रूट तक का, ये क्रेस्ट है ये रूट है, तो ये जो सीधा जो डिस्टेंस है भाई, ये रूट है और ये क्रेस्ट है, तो ये जो सीधा डिस्टेंस इसी को हम लोग कहते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है। ठीक, तो ये ठीक है, तो उसमें जो हेडिंग था आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये आपको समझ में आ गया। अब हेलिक्स एंगल देखो क्या होता है। देखो ये जो एक्सिस है ना, ये जो इसका एक्सिस थ्रेड का जो एक्सिस है, बोल्ट का नहीं, ये जो थ्रेड का एक्सिस है, तो थ्रेड का जो एक्सिस है ये बताइए, इसको फ्लैंक एंगल या थ्रेड एंगल कहते हैं ना। ठीक है, ये जो एंगल है यही फ्लैंक एंगल है या थ्रेड एंगल है। तो ये जो एक फ्लैंक है, ध्यान दो, ये जो एक फ्लैंक है, ये जो जैसे ये क्या है, ये एक्सिस है थ्रेड का, और थ्रेड के ये जो लंबवत खींचा गया है थ्रेड के, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस आप कह सकते हैं। ये थ्रेड का एक्सिस है और ये उसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, लंबाई की दिशा में है, और ये उसका ट्रांसवर्स हो गया। ठीक है, ट्रांसवर्स माने लंबाई के जो लंबवत हो। ठीक है, तो इस फ्लैंक का इस एक्सिस से जो यहाँ पे एंगल बनता है ना, ये एंगल कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये एंगल कहलाता है हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये थ्रेड एंगल का आधा होगा। हाँ, बहुत केसेज में ये आधा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। अभी मैं आपको थ्रेड का जब प्रोफाइल वगैरह बताऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो होता भी है, लेकिन जब कुछ ना दिया हो तो आप मान लेंगे कि आधा होता है। ठीक है, लेकिन कई जगह इसका मान एकदम एग्जैक्ट आधा नहीं होता है, इसका अलग से फार्मूला होता है जो मैं आपको फार्मूला अभी बता दूंगा। लेकिन पहले डिफिनीशन देख लो हेलिक्स एंगल का, क्या डिफिनीशन है कि जो फ्लैंक है उसका जो झुकाव होता है, जो मतलब जो इसका फ्लैंक है उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस से, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो वाची ट्रांसवर्स एक्सिस, तो जो एक्सिस ऑफ थ्रेड के लंबवत होगा, तो एक्सिस ऑफ थ्रेड के लंबवत एक्सिस जो होगा उससे जो फ्लैंक का झुकाव होगा उसी को हम लोग कहते हैं हेलिक्स एंगल। एक्सिस ऑफ थ्रेड के लंबवत एक्सिस ये हो गया, और इस एक्सिस से ये जो फ्लैंक है इसका जो झुकाव होगा यही कहलाएगा थ्रेड एंगल। जनरली ये आधा ले लिया जाता है थ्रेड एंगल का। ठीक है, लेकिन इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, हर केस में आधा नहीं होता है। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल भी आपको समझ में आ गया और डेप्थ ऑफ थ्रेड आपको समझ में आ गया। देखिए अब इधर की सारी चीज़ें मैंने आपको क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, मेजर डाया, माइनर डाया, पीक डाया, पिच, लेड, थ्रेड एंगल भी हो गया, हेलिक्स एंगल आपको बता ही दिया। ठीक, और डेप्थ ऑफ थ्रेड आपको बता ही दिया। हाँ, हेलिक्स एंगल का एक फार्मूला जो होता है, जो असली फार्मूला होता है जिससे ये निकाला जाता है कैलकुलेटर का, ये फार्मूला होता है लीड अपान पाई इंटू पिच डाया। देखो ये लीड भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक, एक्सियल दिशा में 360 डिग्री घुमाने पर चली गई दूरी लीड होता है, और पिच डाया आपको बता ही चुका हूँ, जो मेजर और मिनिमम डाया के बीच में होता है वो पिच डाया होता है। तो लीड अपन पाई इंटू पिच डाया करेंगे तो हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल यानी उसका टेन, मान लो हेलिक्स एंगल अल्फा है तो टेन अल्फा निकल आएगा इसे, टेन अल्फा, सीधा एंगल नहीं निकलेगा उसका, टेन निकलता है इस फॉर्मूला से, लीड अपन पाई इंटू पिच डाया। तो देखो इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन अब वही बात है ना, आपको एमसीक्यू एग्जाम देना है, कोई इस पर लिखित एग्जाम तो जाना नहीं है, तो आपको इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि हेलिक्स एंगल जो है उसका उसका मान होता है लीड अपन पाई इंटू पिच डाया। तो ये भी हो गया, लीड मैंने आपको बता ही दिया, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट बता दिया हूँ। ठीक, बस अच्छा पहले ये देख लो, ये जो मैं लिखा हूँ ये मैं क्या लिखा हूँ, पिच डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस डेप्थ, डेप्थ ऑफ थ्रेड। अच्छा ये आप समझ सकते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा सा बता दूँ, मैंने लिखा है पिच डाया, आपको अभी मैं बता रहा था कि ऊपर ऐसे ऐसे होता है, नीचे
भी ऐसे ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो ये आपका मेजर डाया होता है, और भीतर का देखेंगे इसका रूट का तो ये माइनर डाया होता है, और इन्हीं के बीच में क्या होता है, इन्हीं के बीच में आपका होता है पिच डाया। ठीक, ये मैं आपको बताया हूँ। और डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड इतने ही दूर का होता है ना, इतने ही दूर का, यहाँ क्रेस्ट से लेकर रूट तक का जो होता है ये डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है। तो ये बताइए, डेप्थ ऑफ थ्रेड का आधा, डेप्थ ऑफ थ्रेड का आधा अगर यहाँ से कम कर दो, ठीक, तो अगर यहाँ से आधा कम कर दो, इधर से भी आधा कम कर दो, तो पिच डाया नहीं निकल आएगा। मेरे बात को समझिए, जैसे मेजर डाया में से अगर आप डेप्थ ऑफ थ्रेड का आधा आधा दोनों तरफ से कम कर दो तो पिच डाया नहीं निकल आएगा। इसीलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि पिच डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, मतलब मेजर डाया में से अगर आप थ्रेड के डेप्थ को घटा दें तो आपका पिच डाया निकल आएगा। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, इसमें देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर डाया है, ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनर डाया है, ठीक, और इसके बीच में यहाँ देखेंगे तो ये जो गैप, यहाँ से लेकर यहाँ तक पिच डाया है, और ये जो गैपिंग है, देखो ये पूरा गैपिंग डेप्थ ऑफ थ्रेड हुआ कि नहीं बताओ, ये पूरा गैपिंग। ठीक, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर है तो मेजर में से डेप्थ ऑफ थ्रेड का आधा और डेप्थ ऑफ थ्रेड का आधा दोनों तरफ से कम कर दीजिए, तो मतलब डेप्थ बाई टू और डेप्थ बाई टू कम कर दीजिए तो आपका पिच डाया आ जाएगा। लेकिन इधर से आधा कम करोगे, इधर से आधा कम करोगे, ठीक है, तो एक तरह से आप पूरे डेप्थ को ही तो कम कर दिए। ठीक है, तो ये जो मेजर डाया है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से अगर आप पूरा डेप्थ घटा दें, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजर डाया है, इसमें से आप ये जो थ्रेड का डेप्थ है ये घटा देंगे तो अपने आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पिच डाया आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ डेप्थ बाई टू है और ये थ्रेड के डेप्थ बाई टू है। तो आधा डेप्थ और आधा डेप्थ घटाओगे, मतलब पूरा डेप्थ घटा दोगे, भाई दोनों तरफ से घटा रहे हो ना, तो यानी आपका एक फॉर्मूला बन गया कि पिच डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड। और उसी तरह से एक और फॉर्मूला बनाया कि पिच डाया इज इक्वल टू, देखिए यही यहाँ पे मैंने लिखा था, पिच डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड, और या माइनर डाया, यहाँ पे माइनर डाया प्लस डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो ये आपको एक सूत्र के रूप में इसको तैयार रखना है। और भी देखो, इसमें कुछ चीज़ें घुमा के दे दे, जैसे मान लो आपको मेजर डाया दे दे, डेप्थ दे दे तो पीट पूछ दे, या एग्जाम में मेजर दे दे पीट दे, डेप्थ ऑफ थ्रेड पूछ दे, तो देखिएगा कन्फ्यूज मत हो जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। वो जो फिगर में दिखा रहा हूँ ना, उसको आप दिमाग में बैठाए रखेंगे तो कुछ घुमा के भी पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, अब बस एक छोटी सी बात है कि राइट हैंड साइड थ्रेड और लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड क्या होता है। अब बस इस पूरे मतलब नोमेनक्लेचर में यही एक चीज, दो चीज़ें बाकी हैं, ये समझ लीजिए, फिर सीधे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड थ्रेड और लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड क्या होता है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप अभी इस फिगर को छोड़िए, पहले आप इस फिगर को देखिए। देखिए ये जो आपको मेरे हाथ में स्क्रू दिख रहा है, इस स्क्रू को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो थ्रेड, मतलब इसको अगर मैं ऐसे पकड़ा हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़, अभी बताऊंगा आपको, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ा हूँ इस तरह से, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से पकड़ा हूँ तो बताइए इसका तिरछा तिरछा, आपको तिरछा तिरछा ऐसे थ्रेड आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए जो थ्रेड है, इस पर जो थ्रेड बना हुआ है इसका दाहिना तरफ उठा हुआ है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो थ्रेड है कुछ इस डिजाइन में है कि नहीं, जैसे मान लो कि इसका जो थ्रेड है इस तरह से ऐसे है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो इसका जो हमारा है, देखो इधर इधर दाहिना होता है, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो दाहिना पार्ट ऊपर उठा है ना, तो ये कहलाएगा राइट हैंड साइड थ्रेड, क्योंकि इसका दाहिना वाला ऊपर है। कभी कभी चूड़ी ऐसे होता है, ठीक है, कभी कभी आप, अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसा भी मैं अभी आपको बताऊंगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ये कोई बोल्ट या है तो इस पर कभी कभी थ्रेड ऐसे, इसका बायां वाला ऐसे उठा रहता है, ठीक है, मतलब इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये कभी कभी ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखिए तो इसका राइट पार्ट ऊपर है, तो ये आपका राइट हैंड साइड थ्रेड कहलाएगा। इसमें एक खासियत होती है ना कि इसको जब क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, जैसे इसी को मैं पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज में घुमाने पर कस आता है। ठीक है, मतलब इसको आपको कसना हो, इस बोल्ट को या इसमें नट ही कसना हो, तो आपको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये ढीला होता है और क्लॉकवाइज दिशा में कसता है, ये राइट हैंड साइड थ्रेड की खासियत होती है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बोला था कि राइट हैंड साइड थ्रेड क्या होगा, जैसे ये कोई हमारा बोल्ट है,
ठीक, अभी थोड़ा सा हम लोग इसको खड़ा में समझते हैं। मान लो ऐसे कोई बोल्ट है या स्क्रू है, ठीक, तो अगर इसका थ्रेड, मान लो इस पे ऐसे थ्रेड है, तो अगर इसका थ्रेड इस तरह से है कि जो इसका राइट वाला पार्ट है ये ऊपर है, तो इसको हम लोग कहेंगे राइट हैंड साइड थ्रेड। हाँ, यही फिगर से घुमा के बना दे, मान लो ऐसे फिगर है, इसको ऐसे करके बना दे, ठीक है, तो इधर से ऐसे होगा, ठीक है। जैसे पता है ये वाला पार्ट ऊपर है, मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो मतलब कभी भी फिगर ऐसे दिया रहे तो आप उसको ना सोच सोच लीजिएगा कि इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये रखिएगा कि भाई दाहिना हाथ हमारा ये है, ठीक है, ये दाहिना हाथ है, तो अब देख लीजिएगा दाहिना हाथ ऊपर है कि बायां हाथ ऊपर है। आप जैसे इसमें तो ऊपर नीचे नहीं कहोगे ना, इसको आप सोचिएगा कैसे घुमा लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा थ्रेड है। अगर इस तरह से फिगर दिया रहे, और मान लो कि कोई ऐसे, मान लो ये हमारा दाहिना हाथ हुआ है, ठीक है, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये दाहिना हाथ हो गया, ऐसे कर रहा हूँ तो ये दाहिना हाथ हो गया, ठीक, तो ये हमारा राइट हैंड हुआ, तो ऐसे भी मैं अगर इसको ऐसे ऊपर करता हूँ, ऐसे घुमा लेता हूँ, तो भी तो फिगर ऐसे ही बनेगा ना। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे घुमा लेता हूँ, ये ऊपर है, ठीक है, तो ऐसे ही तो बनेगा। तो अभी भी देखिए, ठीक है, तो मतलब अभी भी दाहिना वाला इधर है, तो दाहिना वाला ऊपर हुआ कि नहीं, तो मतलब ये आपको समझना है कि जब हमारा दाहिना वाला चीज़ ऊपर हो तो समझिएगा वो राइट हैंड साइड थ्रेड है। और इस थ्रेड की खासियत ये होती है ना कि इसको जब क्लॉकवाइज, देखो ये घड़ी की सुई की दिशा है, तो जब इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आगे बढ़ता है, ठीक है, मैंने कसाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है, क्लॉकवाइज में ये टाइट होगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा, ठीक है। जैसे अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे आप देखिए, ये जो बोल्ट है मेरे पास, थोड़ा सा मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो बोल्ट है मेरे पास, इसको भी आप देखिए, इस पर ध्यान से देखेंगे तो इस पर, अब देखिए अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इस पर भी ये राइट हैंड साइड थ्रेड है, ठीक है। तो इस पर अब इस पर मान लो कि मुझे इस नट को कसना है, ठीक है, तो मुझे इसको क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। तो देखो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो इस पर कसा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इस पर से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इस पर से खुलने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये कसा रहा है। हाँ, इधर से देखिए, जैसे देखो ये घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ऐसे 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 घूमती है, ठीक है, तो ये देखो ये घड़ी की सुई की दिशा में कसा रहा है, ठीक, क्योंकि ये राइट हैंड साइड थ्रेड है, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये जो घड़ी की सुई के घड़ी ऐसे घड़ी की सुई के विपरीत हो गया ये, और ये घड़ी की सुई की दिशा हो गई ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और तो राइट हैंड साइड थ्रेड क्या होता है, तो इसका थ्रेड देखो ऐसे तिरछा तिरछा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे तिरछा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो राइट वाला पार्ट इधर वाला ये ऊपर है। आप इसको ऐसे घुमा लेंगे इस तरह से तो आपको तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो ऐसे तिरछा तिरछा हुआ तो राइट वाला पार्ट ऊपर, तो वो कहलाएगा आपका राइट हैंड साइड थ्रेड। और अब लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड में क्या होता है, आप इस फोटो को देखिए, देखिए अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सा थ्रेड है, तो देखो अब इसको आप अगर ऊपर उठा के ऐसे घुमा लें अगर, ठीक है, तो ये राइट वाला हिस्सा जो है आपका ऊपर आएगा ना, इसको आप घुमा लें ऊपर की तरफ, ठीक है, तो राइट वाला, तो ये राइट हैंड साइड थ्रेड हो गया। और इसमें देखो इसको भी, अब इसमें अगर आप इसको भी घुमाएं, मतलब मान लो कि इसको भी आप ऊपर की तरफ घुमा लेते हैं, ठीक है, तो जब आप इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो आपका राइट वाला हिस्सा है वो नीचे आएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा ऊपर आएगा। आप इसको जब घुमाएंगे, हाँ देखो ऐसे ऐसे था ना, उसमें ऐसे ऐसे था ना जिसको मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, तो इसको जब आप ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक, तो ऐसे इधर नीचे है, इधर ऊपर है, ऐसे है ये, ठीक, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिए, तो इधर का हिस्सा जो आपका लेफ्ट साइड है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड ऊपर आए तो आप समझ लीजिए कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो आप समझ लीजिए कि आपका कौन सा थ्रेड हुआ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड हुआ। तो इसमें जब आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे तो कसाएगा, ठीक है, इस बोल्ट को या नट को एंटी क्लॉकवाइज में ये कसाएगा और क्लॉकवाइज में ढीला होगा, यही बात आपको याद रखनी है। देखो इस पर एमसीक्यू बन सकता है। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड थ्रेड और लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, राइट हैंड साइड थ्रेड जो है क्लॉकवाइज में टाइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में लूज होगा, ठीक है, और इसका अपोजिट इसमें होगा, ठीक है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, उसका जो अपोजिट होगा मतलब ये इसमें होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लॉकवाइज में लूज होगा और एंटी क्लॉकवाइज में टाइट होगा, ठीक है। इसको मैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाला आप कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे इसी मार्कर में आप देखो, आपको मैं मार्कर का दिखाता हूँ। देखिए ये जो मार्कर का ये जो है ना, इसको कभी भी खोलना होता है तो ये उल्टा दिशा में खुलता है। देखो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, देखो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ,
रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से, यानी ये इस दिशा में खुल रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में देखो, ये क्लॉकवाइज में खुल रहा है, देखो ऐसे खोल रहा हूँ इसको मैं, ठीक। इसका आप थ्रेड देखिए, जैसे ध्यान से देखो इसके थ्रेड को, ठीक है, ये थ्रेड देखिए, इसका लेफ्ट वाला पोर्शन उठा हुआ है, ध्यान से आप इसको देखिए, देखो राइट वाला पोर्शन नीचे है, लेफ्ट वाला पोर्शन उठा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो थ्रेड है, ये लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड है, ठीक। अब देखो इसको इसमें कसना है इसको, तो मुझे इसको, और मुझे कसना है तो मुझे देखो ऐसे घुमाना पड़ेगा, देखो कसा रहा है, तो देख रहे हो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड हो गया, तो ऐसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कई जगह मशीनों में भी लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा 90% केसेज में राइट हैंड साइड थ्रेड ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर आपको घरों में यही देखने को मिलेगा। दुकान पर भी जाएंगे तो लेफ्ट हैंड वाला बोल्ट जल्दी मिलता नहीं है, राइट हैंड वाला तो तुरंत मिल जाता है, ठीक है, लेकिन होता है, जैसे अभी मैंने मार्कर में ही बताया, ठीक है। तो ये बात आप इतना याद रखिएगा। तो चलो ये हमारा थ्योरी पार्ट जो है ओवर हो गया, अब आइए हम थोड़ा MCQ वगैरह देखते हैं। तो देखिए जी स्टूडेंट, मैं बहुत सारे MCQ जो आज मैं लेक्चर में पढ़ाया हूँ, तो बहुत सारे MCQ मैं लेके आया हूँ, ठीक है। जो भी MCQ है वो सब आप कर ले जाएंगे, ठीक है, जो आप मैं पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड सारे MCQ है, ठीक है, जो आपके कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि जो भी ये सब MCQ है, ठीक है, ये सब MCQ, चूँकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे जो MCQ है ये अब एक नेक्स्ट वीडियो केवल MCQ का बना दूँ, ठीक है, उसी में मैं MCQ वगैरह कराऊंगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो लेक्चर 2 है, जहाँ से पेड कोर्स की शुरुआत होगी, उसी से अब ये सब जो क्वेश्चंस है उसमें आपको करा दूंगा, ठीक है। इसमें देखो इसमें कुछ सारे क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के भी हैं, जैसे अब ये जो है, जैसे हेक्सागोनल नट का क्वेश्चन हो गया, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना भी है ना, लेकिन मैक्सिमम में जो छांट के लाया हूँ कि इसी चैप्टर का, जो मैं अभी पढ़ाया हूँ थ्रेड वाला, इसी चैप्टर का लाया हूँ, और आपको अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसमें आपको थ्रेड प्रोफाइल के बारे में बताऊँगा। जैसे थ्रेड की प्रोफाइल होती है ना, जैसे मान लो BSW हो गया, या बट्रेस हो गया, एक्मे थ्रेड हो गया, भी थ्रेड हो गया, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे तो मतलब समझ लो कि मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, और तब आपको ये MCQ भी करवाता हूँ, और आपको नेक्स्ट वीडियो भी उसके बाद जो थ्योरी का है, जिसमें आपको थ्रेड प्रोफाइल वगैरह बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और थ्रेड प्रोफाइल बताऊंगा और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।